Today I'm going to start with Election Commission. Article 324 of the Constitution mentioned about Election Commission. आज आपने करना है Election Commission. टॉपिक है पांच नंबर का पेपर में टॉपिक आता होता है. Define Election Commission and its functions. Which article? 324 of the Constitution. Article 324 of the Constitution defines about Election Commission. अब Election Commission in India, we are having Independent Election Commission. ठीक है, independent है. And members of Election Commission are appointed by President. Is it clear? At present, there are three members. One is Commissioner, others are helpers. क्योंकि टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन इज 6 years. तो ये तो हो गया डिफाइन इलेक्शन कमीशन. अगर 2 marks का है तो इट्स इनफ. आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स अबाउट इलेक्शन कमीशन. फिर आपने बताना इन इंडिया वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर द कंट्री एंड फॉर डिफरेंट स्टेट्स. कंट्री के लिए अलग है, स्टेट्स का, हर एक स्टेट का अपना अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है. ठीक है, फिर आपने बताना है कि एट प्रेजेंट देयर आर थ्री मेंबर्स. One is commissioner, others are his helpers. Members are appointed by president and their tenure is 6 years. So this is about election commission. Ab main keh rahi hu right functions. Functions you have done side by side while doing topics such as voters list, nomination paper, counting, campaigning. Jab aapne ye sare topic padhe the to usme election commission ke functions side by side aaye the. उन्हीं को जो आपने अलग अलग पढ़ा है ना उसी को कंपाइल करना है. अब हमने वहां से हर एक टॉपिक में से एक एक लाइन उठानी है हमने एंड राइट हियर. ठीक है, कोई आपको नए फंक्शन लर्न नहीं करने. तो आप अपने आप बताओ इलेक्शन कमीशन सबसे पहले क्या करता है. इट डिक्लेयर्स द डेट ऑफ इलेक्शन. सबसे पहले तो डेट ऑफ इलेक्शन डिक्लेयर करता है. देन अब सारे अगर डेट्स वाले लिख दोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू. It also declares the date of to fill nomination paper and withdrawal date of withdrawal also. ठीक है, ये सारा. It also declares the date of counting of votes and declaration of result. अब मैंने सारा पहले dates वाले ही points बता दिए. अगर अब से सारे नहीं होते leave it. किसी ने कोई compulsion थोड़ा कि ये बच्चे ने सारी dates वाला लिखना है. You can write only this date declares the date of election. आप अपने वैसे इजी कर लो ना. अगर पॉइंट्स कम हो रहे हैं तो आपके दिमाग में अपने आप आएंगे कि कोई डेट्स वाले और भी पॉइंट्स हैं. इट डिक्लेयर्स द डेट ऑफ नॉमिनेट टू फिल नॉमिनेशन पेपर. फिर साथ में विथड्रॉल वाली डेट भी तो यही डिक्लेयर करता है ना इलेक्शन कमीशन. फिर डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स दैट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाई इलेक्शन कमीशन. एंड देन डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. सारा कुछ ये करके रखते हैं पहले से ही. डिपेंड अपॉन योर विश आपने इसमें से क्या क्या लिखना है. ठीक, फिर आप बताओगे ट्रीवाइज voters list. Name of new voters are added. Names of bogus voters are deleted from the list. फिर आप ये बता दोगे. ठीक है, next इसके बाद आप बताओगे it demarcates the constituencies. Constituencies की demarcation कौन करता है? Election Commission. It demarcates the constituencies. ठीक है, और फिर आप बता सकते हो इट गिव रेकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल एंड रीजनल. इट अलॉट्स सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज. इट चेक्स गवर्नमेंट मशीनरी थ्रू आउट द कंट्री इफ देयर आर लोकसभा इलेक्शंस. इफ देयर आर स्टेट, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, सारा लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखो. इट चेक्स द गवर्नमेंट मशीनरी. If there are elections of the state assembly elections, जैसे अभी हमारे पंजाब के आने हैं, it checks the government machinery of the particular state. उस state की government machinery को check करता है. ठीक है, तो इस वजह से it gives recognition to the parties as national and regional. Now is it clear? ठीक है, it gives recognition to the parties, political parties as national and regional. It allots symbols to the political parties. ठीक है,
गवर्नमेंट मशीनरी को चेक किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री इफ देयर आर लोकसभा इलेक्शंस, अगर स्टेट असेंबली है तो उस स्टेट की जाती है। इट चेक्स रिगिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस, RIGGING, RI की जगह RA हो गया तो गलत है। इट चेक्स रिगिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस, फ्रॉड सब चेक करता है ड्यूरिंग इलेक्शंस। इट कैंसल्स द पोल्स इफ इन एनी पोल रिगिंग इज डन, उस पोल की आप कहोगे वो पोल ही कैंसिल कर दिया जाता है जहां पे कोई भी रिगिंग या बूथ कैप्चरिंग हो जाए। इट कैंसल्स द पोल्स इफ रिगिंग इज डन, नाउ इज इट क्लियर। इट इश्यूज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी तो यही करता है। इट इश्यूज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पता है ना सबको, ये भी तो मैंने करवाए थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें मैंने बोला था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन, तो उसका फंक्शन ही है ना ये। इट इश्यूज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, होते क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस विच पार्टीज और कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग, इज इट क्लियर। अभी इलेक्शन कमीशन आ गया, कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है, 324। अब मैंने जितनी लाइंस बोली हैं आपके दिमाग में कुछ तो लाइंस लर्न होगी होंगी। 324 कितने मेंबर्स एट प्रेजेंट, 3, 1 इज कमिश्नर, अदर आर हेल्पर्स, मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेजेंट, टेन्योर इज 6 years। हाँ तो क्या डिफाइन इलेक्शन कमीशन, और क्या करना है इसको, क्या इसको लिख लिख के लर्न करना है, इज इट क्लियर। अगर आ गया देन इट्स ओके, आपको आ गया देन नो प्रॉब्लम। अगर आपका फिर भी कोई पॉइंट कम हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं आपका कुछ शॉर्ट है यहाँ पे, तो यू कैन राइट दिस आल्सो ना, इन इंडिया वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, फॉर कंट्री इट इज सेपरेट एंड फॉर डिफरेंट स्टेट इट इज सेपरेट, कंट्री का अलग है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का अपना इलेक्शन कमीशन है। ये तो बड़े करने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए कुछ भी लिखी जाओ फिर, ठीक है। फिर आप बताओ कि फंक्शंस, फंक्शंस क्या क्या, फंक्शंस आप कर चुके हो साइड बाय साइड, यू हैव डन विद द टॉपिक्स, जो आपने प्रीवियस टॉपिक्स के उनमें आप कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड यू हैव रिटन देयर, यू हैव लर्न देयर दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन, तो ये फंक्शन ही तो है। बट आप अगर उसका फंक्शन बिगिनिंग से सोचोगे कि उसने आते ही पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा इश्यू करने है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट हैज टू डिक्लेयर द डेट ऑफ, सबसे फर्स्ट फंक्शन तो डेट ऑफ इलेक्शन ही होगी ना। फिर उसके बाद डेट्स वाले कितने पॉइंट्स दिमाग में आएंगे, सेपरेट पॉइंट सेपरेट बना दो। इट ऑल्सो डिक्लेयर द डेट ऑफ टू फिल नॉमिनेशन पेपर एंड टू विदड्रॉल, इट ऑल्सो फिल्स डेट ऑफ काउंटिंग ऑन द वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, डिपेंड अपॉन योर विश। आपने तीन पॉइंट बनाने हैं, किसमें से एक ही लिखना है, इट्स योर विश। फिर ये ना हो बच्चे का फर्स्ट पॉइंट ये हो कि इट डिक्लेयर्स द डेट टू फिल नॉमिनेशन पेपर, अभी वोटिंग की डेट आई नहीं, नॉमिनेशन पेपर की पहले आ जाए, ऐसे ना हो। सबसे पहले डिक्लेयर्स द डेट ऑफ इलेक्शन, बीच वाली डेट्स नहीं लिखोगे इट्स ओके नो प्रॉब्लम। देन इट रिवाइज वोटर्स लिस्ट, आता है ना नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स को ऐड करते हैं, बोगस वोटर्स के नेम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट और क्या करते हैं, इसके बाद का फंक्शन डी मार्केट्स का, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी तो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे ना, इट डी मार्केट्स का कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब डी मार्केशन हो गई, आगे चलो पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है एज नेशनल एंड रीजनल, सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं पार्टीज को। नेक्स्ट आगे चलो क्या चेक करता है ड्यूरिंग इलेक्शन, गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री गवर्नमेंट मशीनरी चेक की जाती है, अगर वो स्टेट की है तो पर्टिकुलर स्टेट की चेक होती है। अब बच्चा सोचे गवर्नमेंट मशीनरी कौन सी, तो उसमें ईवीएम आ जाती है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट की व्हीकल्स वगैरह आ जाते हैं कि कहीं पे मिस यूज तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट गवर्नमेंट मशीनरी को चेक किया जाता है, फिर आपको इट ऑल्सो चेक्स रिगिंग ड्यूरिंग इलेक्शन, इट इश्यूज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो तो सबको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कैंडिडेट एंड पार्टीज को फॉलो करने होते हैं। इट कैंसल्स द पोल्स इफ रिगिंग इज डन, ठीक है, इफ रिगिंग इज डन इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इट कैंसल्स द पोल्स, तो वो उस पोल को कैंसिल कर देता है। नाउ इज इट क्लियर, फंक्शंस रिगिंग होती है जैसे रिश्वत देना, वोटर्स को थ्रेट करना। आपको तब मैंने बोला था लॉ एंड ऑफ पंजाब मूवी देखो, आपको पूरा क्लियर कट जो चीज लाइव देख लेते हैं ना
उसको लर्न करके करना अच्छी बेटर है कि लाइव देखो। पोलो सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, टीवी पे अगर आप न्यूज के साथ इन टच हो ना, न्यूज सुनते हो, तो आप सिविक्स में कभी मार नहीं खाओगे, पॉलिटिक्स में कभी मार नहीं खाओगे, अगर आप अपनी न्यूज सुनते हो, क्योंकि कितनी बातें तो न्यूज में ही आ जाती हैं सारी। अभी सुनो ना पार्टीज क्या क्या कर रही हैं, कैसे कैसे वो प्रोमिसेज अभी कर रहे हैं। एक पार्टी जो डिक्लेयर करती है दूसरी पार्टी, नोट करो ना पंजाब में क्या हो रहा है, एक पार्टी एक दिन पहले जो डिक्लेयर करके जाती है, उसी टाइम दूसरी पार्टी का लीडर भी सेम पॉलिसी सेम वो सब कुछ डिक्लेयर कर रहा होता है, ठीक है ना। क्यों ऐसे कॉम्पिटिशन, टू अट्रैक्ट वोटर्स इन देयर फेवर, टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। अगर आप ये सब कुछ देखोगे ना, तो आपको सब कुछ अपने आप को बस आप 10 मिनट डिवोट करो फॉर न्यूज बस। अगर ये चैप्टर ऐसे लर्न करना, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए भी मैं कहूंगी न्यूज। दो मूवीज देखनी है आपने, एक नायक अनिल कपूर वाली और एक अपने लॉ इन ऑफ पंजाब, बस ये दो मूवीज देख लो, काफी हद तक पॉलिटिक्स की नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, इसमें तो प्रॉपर दिखाया हुआ है ना बूथ कैप्चरिंग होती कैसे है लॉ इन ऑफ पंजाब में। तो आगे जाके आपको 1 मार्क क्वेश्चन आना है, डिफाइन बूथ कैप्चरिंग। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी ना, यू कैन राइट, तो यू कैन राइट। नेक्स्ट इज, हाउ आर इलेक्शंस कंडक्टेड इन इंडिया, हाउ आर इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर में, तो हाउ टू राइट, इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं। अब आपने समझो आप वोटर हो, आपने बिगनिंग से स्टार्ट करना है ये प्रोसेस और वोट डाल के घर बैठना है, ठीक है। बीच बीच में आपने क्या किया, इसमें आपने एक पर्सन को पोलिंग बूथ प्रॉपर पहुंचाना है, उसकी वोटिंग करवानी है, फिर आना। समझ आई, तो आपको समझ आएगी हमारे इलेक्शंस हेल्ड इन अवर कंट्री। सबसे पहले जो बात होती है वो बताओ, हमारे इलेक्शंस हेल्ड इन द कंट्री, सबसे पहले क्या डिक्लेयर होती है, डेट ऑफ। अब इसको थोड़ा और वे से लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर आल्सो डीमार्केटेड बाय इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे वोटर वोटर लिस्ट नहीं आनी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर आल्सो डीमार्केटेड बाय इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। फिर आपने कहना कैंडिडेट्स आ गए फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फिर आपने कहना है पॉलिटिकल पार्टीज इशू देयर मैनिफेस्टो, ठीक है। अब मैनिफेस्टो आपको पता है कि क्या होता है, नो नीड टू राइट हियर, टू इशू देयर पॉलिटिकल पार्टीज इशू देयर मैनिफेस्टो टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर, इसीलिए करते हैं ना इशू मैनिफेस्टो। नेक्स्ट फिर आपने बताना है कैंपेनिंग इज डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, एंड व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो सम मॉडल कोड ऑफ। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है, आप तो करे हो इलेक्शन हेल्ड इन अवर कंट्री। कैंडिडेट्स कांट डिमांड वोट इन द नेम्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन व्हाइल कैंपेनिंग, एक पॉइंट बता दो, कैंपेनिंग इज डन एंड कैंपेनिंग एंडेड 48 आवर्स बिफोर द डेट ऑफ इलेक्शन, ठीक है। 2 दिन पहले कैंपेनिंग बंद हो जाती है। फिर आपने बताना है ऑन द डेट ऑफ इलेक्शन, अब डेट आ गई इलेक्शन की, कैंडिडेट वोटर्स ऑन द डेट ऑफ इलेक्शन वोटर्स गो टू पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट, फॉर वोटिंग ईवीएम्स आर यूज्ड इन इंडिया, वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, नो वन एक्सेप्ट वोटर नोज इन हूज फेवर ही और शी हैज कास्टेड हिज वोट। After voting, EVMs are carried to counting centers, and in counting centers, counting is done before the candidates or the agents of the political parties. हर जगह कैंडिडेट थोड़ा जाएगा, तो किसी जगहों पे वो अपने एजेंट्स भी भेज देते हैं। Counting is done before the agents or the candidates of the different political parties, and person who gets maximum number of votes is declared winner, ठीक है। But if in any area while elections rigging is done,
then people of that constituency can file up a petition in the court. If court found all the objections correct, then result of that constituency, result of election of that constituency will not be declared, and it is decided by the election commission that election in that constituency would be held again. Now, is it clear? Or elections held in India? पूरा बिगनिंग से एंड तक वोट हो गई बंदे की, पूरी वोट डलवा के आए कि नहीं अभी हुई? सबसे पहले क्या होता है, वोटर्स लिस्ट इज सॉरी डेट ऑफ इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन. फिर आप ये भी कह सकते हो आई कार्ड इज इशूड टू द वोटर्स, वोटर्स को आई कार्ड इशू होते हैं, है ना. फिर आप कह सकते हो कि डीमार्केशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, नॉमिनेशन पेपर कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज पहले अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करती हैं and then candidates fill their nomination papers, ठीक है. फिर आप बता सकते हो कि political parties issue their manifesto and candidates and parties can do campaigning. While campaigning they have to follow model code of conduct. कुछ ना लिखो यहाँ पे, इतना ही बता दो. फिर बताओ कि campaigning is ended before 48 hours of the election. बंद हो जाती है ना campaigning. अब बताओ on the day of election, अब डे आ गया इलेक्शन डे, वोटर्स किधर जाएंगे? पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर. आगे की स्टोरी आपको सारी पता. आप कभी ना पेरेंट्स के साथ आप अपनी वोट तो डालने जा नहीं सकते, पेरेंट्स के साथ एक बार ट्राई मार के देख लेना कि कैसे वोटिंग होती है. वोटर्स पोलिंग बूथ जाते हैं, वहां पे वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, ईवीएम आर यूज्ड फॉर वोटिंग. आफ्टर वोटिंग, जब वोटिंग हो जाती है, उनको काउंटिंग सेंटर्स ले जाया जाता है. वहां पे काउंटिंग होती है, किसके सामने होती है? कैंडिडेट्स एंड और द एजेंट्स ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, एंड कैंडिडेट हु गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड विनर. वो विनर होता है और वो जीत जाता है, ठीक है. एंड इफ इन एनी एरिया ड्यूरिंग इलेक्शन बोलो कि रिगिंग इज डन, किसी भी इलेक्शन में रिगिंग हो जाए, इतनी बड़ी कंट्री की रिगिंग होती है, एंड रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नॉट डिक्लेयर्ड, देन इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड दैट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन वुड बी हेल्ड अगेन. ये आपकी मर्जी, आपने नहीं भी लिखना, आप इतना यहां तक लिख दो कि पर्सन हु गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड विनर. आपकी वोटिंग हो गई, ठीक है. तो ये आर इलेक्शंस हेल्ड इन आवर कंट्री. कैन यू राइट? डिफाइन इलेक्शन कमीशन एंड इट्स फंक्शंस. कैन यू राइट? देखो हमने सारा कुछ पहले पढ़ा हुआ था, उसी को हमने वहां से फंक्शंस उठाए हैं इलेक्शन कमीशन के. नेक्स्ट इज मैनिफेस्टो. इट्स अ बुकलेट और पैम्पलेट. सोचो ये मैनिफेस्टो है, ठीक है. मेरी एक पोलिटिकल पार्टी का, मैं ये मैनिफेस्टो लेके आई, ठीक है. इट्स अ बुकलेट और पैम्पलेट. इसमें क्या दिया जाएगा? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द पार्टी. अब आपके पास ये मैनिफेस्टो आना है, आप इसे पढ़ोगे. अगर आपको ये मैनिफेस्टो अच्छा लगा तो आप उस पार्टी की फेवर में वोट करोगे. तो ऑलमोस्ट सब पार्टीज के आज की डेट में मैनिफेस्टो सेम है, क्योंकि ये मैनिफेस्टो वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर. पार्टीज इससे पब्लिक ओपिनियन अपनी फेवर में करती है. इज इट क्लियर? अब हमारे क्या क्या टॉपिक रह गए? एक रह गया फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम, ठीक. नेक्स्ट हमारा टॉपिक रह गया राइट द चैलेंजेस faced by election system in India. Challenges. Election in India free and fair manner से होते हैं, क्या उसे challenges नहीं face करने पड़ते? पड़ रहे हैं. Our election system has to face so many challenges. For example, non-serious candidates आई जा रहे हैं, ठीक है. Defection हो जा रही है, candidates अपनी party change करी जा रहे हैं, ठीक है. फिर manifesto ही same हो जा रहे हैं, manifesto same आ रहे हैं ना सबके. वोटर तो कंफ्यूज हो रहा है बेचारा. फिर डायनेस्टिक सक्सेशन है. कैसे डायनेस्टिक सक्सेशन है? पार्टीज हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स को पावर में लाती हैं. अगर कोई वो चाहे कैपेबल हो चाहे ना हो, दूसरे लोग जो कैपेबल हैं, डिजर्विंग है, ऑनेस्ट हैं, उनको चांस नहीं मिलता. फिर हम कहेंगे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है. क्या कभी भी आपने सुना, अभी आपके पंजाब के इलेक्शंस होने लगे हैं, आपने सुना कि पार्टी ने कोई इंटरनल इलेक्शन करके अपने कैंडिडेट सिलेक्ट किए? सुना कभी? पार्टी कभी इंटरनल इलेक्शंस करवाती है?
नो, यूएसए में क्या होता है, वहां पे इंटरनल इलेक्शंस करवाए जाते हैं, पार्टी अपने इंटरनल इलेक्शंस करवाती है, देन कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड, मींस वो कैंडिडेट ट्रू कैंडिडेट है क्योंकि वो लोग लेके आए हैं। यहाँ पे हमारे कंट्री में टॉप पार्टी लीडर्स जो होते हैं दे सिलेक्ट द कैंडिडेट्स, ऑल द पॉलिसीज प्रोग्राम्स आर फ्रेम्ड बाय टॉप पार्टी लीडर्स, नॉट आप कहोगे कि लोगों की डिसीजंस नहीं लिए जाते। व्हाइल टेकिंग डिसीजंस टॉप पार्टी लीडर्स नेवर कंसल्ट विद ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी, दे हैव टू फॉलो ओनली, ऑर्डिनरी मेंबर्स हैव टू फॉलो ओनली व्हाइल टेकिंग डिसीजन, पार्टी कभी भी उनसे डिस्कस नहीं करती। टॉप पार्टी लीडर्स का ही रोल है इंडिया में सारा, वही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, वेयर एज इन यूएसए पार्टी कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस। तो कहीं ना कहीं इंडिया में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है ना कि नहीं है, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है? पार्टी तो खुद ही डेमोक्रेसी की रूल्स को तोड़ रही है। व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स टॉप पार्टी लीडर्स हैव गिवन पावर, लोगों को तो कंसल्ट ही नहीं किया जाता, तो इट मींस देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक, फिर मैं कहूंगी मनी एंड मसल पावर, मेन एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज टू विन द इलेक्शन, दैट्स व्हाई व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स दे गिव चांस टू द कैंडिडेट हु आर रिच और पावरफुल, जो रिच होते हैं पावरफुल होते हैं उन्हीं को चांस दिया जाता है, वेदर दे आर क्रिमिनल, पार्टी गिव्स इट्स टिकट्स टू दोज, बिकॉज मेन एम ऑफ पार्टी इज टू विन द इलेक्शन, पार्टी को लगता है बाय गिविंग ब्राइब और बाय थ्रेटनिंग द वोटर्स दे वुड विन द इलेक्शंस, उनको होता है कि या तो वोटर को रिश्वत दे देंगे या उन्हें थ्रेट कर देंगे तो ये तो जीतेंगे, फायदा किसको होना है, पार्टी को। पार्टी ऐसे कैंडिडेट्स को पावर में लाती है जिनके साथ पॉपुलर सपोर्ट होती है, रिच होते हैं, रिच को चांस दिया जाता है, तो ओनली रिच कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन अवर कंट्री बिकॉज इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव, हम खुद ही कहते हैं इन इंडिया इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, इट्स नॉट द इसको तो इट्स नॉट कहोगे कि इजी फॉर द पुअर पीपल टू कंटेस्ट इलेक्शन, दो दे आर केपेबल, डिजर्विंग, ऑनेस्ट एंड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, बट दे कांट कंटेस्ट इलेक्शंस ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ना तो उनके पास बेचारों के पास सिफारिश है ना ही उनके पास पैसा है, तो दे कांट कंटेस्ट इलेक्शंस, इट मींस मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनको पावर में लाया जाता है, दो दे आर नॉट केपेबल, तो समटाइम्स नॉन सीरियस कैंडिडेट्स पावर में आ जाते हैं। एक और मेन इसका बताऊं चैलेंज जो हमारा इलेक्शन सिस्टम फेस कर रहा है, दैट इज लो पोलिंग परसेंटेज, वोटर वोट ही नहीं डालने जाते इंडिया में, वोटिंग अब जाके कहीं 80% हुई है, वैसे ये वोटिंग 75% तक रहती थी, 70 और 75%, अभी पंजाब के इलेक्शंस होंगे तो आपको बताया जाएगा कि वोटिंग कितने परसेंट हुई, बताते हैं साइड बाय साइड के इन पंजाब वोटिंग जो है वो 80% हुई, 85% हुई, ये सब पता चल जाता है। तो वोटिंग अगर 80% हुएगी, इट मींस जो कैंडिडेट्स रूल कर रहे हैं उन्हें 20% कैंडिडेट्स तो पावर में लाए नहीं, उन्होंने तो अपनी वोट ही नहीं यूज की, तो वो तो उन्हें पावर में लेके ही नहीं आए, इट मींस कैंडिडेट्स हु आर रूलिंग दे आर नॉट ट्रू कैंडिडेट्स, वो ट्रू कैंडिडेट्स नहीं है। क्यों ट्रू कैंडिडेट्स नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बाय 20% ऑफ द वोटर्स, 20% पीपल इन इंडिया दे डू नॉट कास्ट देयर वोट, वोट ही नहीं डालने जाते, पीपल डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट, लोगों को अपने वोट की वैल्यू ही नहीं पता, वोट डालने ही नहीं जाते, तो इट मींस ये सारे चैलेंजेस इलेक्शन। अब इसी को मैं कहूँ रेमेडीज बताओ, जो जो मैंने बताया ना उसी को सुधार दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था चैलेंजेस में कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, बताओ कि टॉप पार्टी लीडर्स जो हैं उन्हें कंसल्ट करके कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना चाहिए अपने मेंबर्स के साथ, बताओ कि फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की जगह केपेबल डिजर्विंग कैंडिडेट्स को चांस देना चाहिए, जो जो मैंने रॉन्ग बोला उसे ठीक कर दो, मैंने कहा डिफेक्शन हो रही है लिखो, कि दो इट इज एंटी डिफेक्शन लॉ पास हो चुका है, कि आप समझते हो गवर्नमेंट ने पास नहीं किया, गवर्नमेंट हैज पास एंटी डिफेक्शन लॉ, पास कर दिया हुआ है, फिर भी लीडर्स आर इंडल्ज इन डिफेक्शन एंड
तो आप बताओ कि डिफेक्शन जो है इट शुड बी टोटली बैंड, इसे प्रॉपर बैन करो, ठीक है। वोटर्स जो वोट डालने नहीं जाते, आई कार्ड ऑफ सच वोटर शुड बी कैंसल्ड। एक बार करके देखो ना, फिर देखो कितनी 100% वोटिंग होती है कि नहीं होती। बताओ कि देयर शुड बी इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टी शुड, पार्टी जो है उसे डेमोक्रेसी के प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देयर शुड बी कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर, पार्टी को इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मनी एंड मसल पावर शुड नॉट बी यूज। ये सारे आप पॉइंट्स रेमेडीज में कर दोगे ना, जिसको चैलेंजेस आ गए रेमेडीज अपने आप आ गई। रेमेडीज कैसे करते, मैंने कहा कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आप शुड भी लगा के कर दोगे। देयर शुड बी प्रॉपर, पार्टी शुड फॉलो प्रॉपर रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। टॉप पार्टी लीडर शुड कंसल्ट, शुड करके ना करना चाहिए। टॉप पार्टी लीडर शुड कंसल्ट ऑर्डिनरी मेंबर्स व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स। मैंने कहा इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, आप कहोगे इलेक्शन शुड नॉट बी सो एक्सपेंसिव, देयर शुड बी कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर। तो इज इट क्लियर?